नमस्कार दोस्तों, आरसी के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो रंग का एक बेहद खूबसूरत डिज़ाइन लाई हूं, जिसे आप किसी भी बच्चों के प्रोजेक्ट में या फिर लेडीज़ प्रोजेक्ट में डालेंगे, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। इसे बनाने के लिए हमें सम संख्या में फंदे चाहिए, यानी जो दो से कटते हों ऐसी संख्या में कोई भी फंदे। ये डिज़ाइन चार फंदों का और चार लाइन का है। छोटी छोटी बूटी का ये डिज़ाइन बेहद खूबसूरत है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने 12 फंदे डाल रखे हैं और दो लाइन का बॉर्डर बना लिया है। अब यहाँ हम अपना पहला लाइन, यहाँ से हम अपना पहला लाइन बनाएंगे। तो पहले लाइन में हम इसी रंग के ऊन से सभी फंदे सीधे बुन लेंगे। पहली लाइन में सभी फंदे हम सीधे बुन लेंगे। रॉन्ग साइड से भी हम सभी फंदे सीधे ही बुन लेंगे। तो दो लाइन हमने सीधा सीधा बुन लिया, लेकिन ये हमारे डिजाइन का लाइन नहीं है, बल्कि ये डिजाइन के लिए बेस लाइन है। अब हम यहाँ पे अपना दूसरा कलर अटैच करेंगे और दूसरे कलर के ऊन से हम सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। यहाँ से हमारा पहला लाइन स्टार्ट होता है। तो पहले लाइन में हम दूसरे कलर के ऊन से सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो पहली लाइन में हमने दूसरे कलर के उनसे सभी फंदों को सीधा बुन लिया। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में, और रॉन्ग साइड में भी हम सभी फंदों को सीधा ही बुन लेंगे। तो इस तरह हमारा दो लाइन कंप्लीट हो गया, फ्रंट से भी सीधा और बैक से भी सीधा। तीसरी लाइन में हम अपने पहले कलर के उनसे दो फंदे सीधे बुनेंगे, एक और दो। तो फंदा सीधा बुना, और ये देखिए, जब हमने ये बेस रो में दोनों तरफ से सीधा सीधा बुना था, तो ये उल्टे फंदे की एक लाइन आ गई है। देखिए, ये उल्टे फंदे की एक लाइन आई है। तो ये जो हमारा फंदा है तीसरा वाला, उसके नीचे आएंगे, और ये जो उल्टा फंदा है इसको हम इसी के नीचे ऐसे सिलाई डालेंगे, इसके नीचे ऐसे सिलाई डालेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे। अब इस फंदे को हम गिरा देंगे। फिर नेक्स्ट फंदे में ये ऐसे ही हम करेंगे। चौथे फंदे के नीचे आएंगे, जो बेस रो है उसमें, उसके नीचे जो उल्टी फंदे ये दिख रहा है, इसी में हम ऐसे नीचे से सिलाई डालेंगे और एक सीधा फंदा बनाएंगे। फिर इस फंदे को ऐसे गिरा देंगे। अब ये हमारे चार फंदे हो गए, और इन्हीं चार फंदों को हम पूरी लाइन में दोहराएंगे। यानी अब दो फंदा हम सीधा बुनेंगे और दो फंदा, ये हमारे देखिए एक लाइन और ये दो लाइन, दो उल्टे फंदों की लाइन है। तो दूसरे वाले लाइन के नीचे ऐसे सिलाई डालेंगे और सीधा बुनेंगे। तीसरा फंदा, ये चौथा फंदा, फिर दो फंदा सीधा और दो फंदा, दो लाइन नीचे से। ये एक सीधे फंदों की लाइन है, सॉरी, ये एक उल्टे फंदों की लाइन है, ये दूसरे उल्टे फंदों की लाइन है। तो ऐसे नीचे आएंगे दूसरे वाले ये उल्टे फंदे के नीचे ऐसे सिलाई लगाएंगे और सीधा बुनेंगे। लास्ट फंदे के साथ भी ऐसे करेंगे। पीछे से हम सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे।
चौथी लाइन सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। फिर अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ। पांचवी लाइन में हम अपने दूसरे कलर के ऊन से सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। तो पांचवी लाइन में हमने दूसरे कलर के उनसे सभी फंदों को सीधा बुन लिया और छठी लाइन में भी हम सभी फंदों को सीधा ही बुन लेंगे। ये डिजाइन दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए ही बनेगा। तो हमने छठी लाइन में सभी फंदों को सीधा बुन लिया। सातवीं लाइन और सामने से अब हम अपने पहले कलर के उनसे दो फंदों को सीधा बुनेंगे, लेकिन दो लाइन नीचे आके, ये देखिए जो ये उल्टे फंदा है उसी के नीचे ऐसे हम सिलाई डालेंगे और एक सीधा फंदा बनाएंगे। अब इस फंदे को गिरा देंगे। फिर नेक्स्ट फंदे में, दूसरे फंदे में भी ऐसे ही करेंगे। ये एक लाइन, ये दो लाइन, दो लाइन नीचे आएंगे और ऐसे सिलाई डालेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे और अगले दो फंदे नॉर्मली सीधा। तो इन्हीं चार फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। दो फंदे को दो लाइन नीचे आके तब सीधा बुनना है। और दो फंदे को नॉर्मली सीधा। तो इन्हीं चार फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। और रॉन्ग साइड से सभी फंदे सीधे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह छोटी छोटी बूटी का ये डिजाइन बनके तैयार होगा। एक बार जिन दो फंदों पे हमने डिजाइन बनाया है और अगली बार दूसरे दो फंदों पे हमें डिजाइन बनाना होगा, तो ये खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा। हमारा खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा। देखिए सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। इसे आप किसी भी लेडीज प्रोजेक्ट में या फिर बच्चों के प्रोजेक्ट में डालेंगे, ये बेहद खूबसूरत लगेगा। तो फ्रेंड्स, डिजाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।